अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बच्चों की कुछ चीजें, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे तो मैंने सोचा कि उनको जवाब मिल जाएगा और डिटेल एक वीडियो बन जाएगी। तो ये है जनाब मेरे बच्चों का रूम, ठीक है। और अभी ये ज़ैनब फातिमा जो है सर्दियों में इस बेड पर सोती हैं, लेकिन गर्मियों में ऑफकोर्स गर्मी होती है तो फिर हम एक ही रूम में सब सोते हैं। उसके बाद ये चेस्टर ऑफ ड्रॉअर मैंने आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन बता दी थी कि मैंने किस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसके ऊपर इसी तरह ये सॉफ्ट टॉयज पड़े रहते हैं, थोड़ा रूम जो है ना डेकोरेटिव लगता है, ठीक है। उसके बाद बेबी की सारी चीजें मैंने यहां पर रख दी थी और वो मैंने आपको कंप्लीट दिखा चुकी हूं, ठीक है, कि किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज की है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ लेना है, ठीक है, आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कहती कि इस साइज का लें, मेरे लिए ये सफिशियंट है क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा स्टोरेज है। लेकिन जो लोग जिनके घर में स्टोरेज कम है, तो इस तरह की कबर्ड्स भी आती हैं आजकल, बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट करेक्टर्स की कबर्ड्स आती हैं, डिसेंट कबर्ड्स भी आती हैं। आपको किसी भी अच्छे जगह जहां पर बच्चों का फर्नीचर मिलता हो, बच्चों की एक्सेसरीज मिलती हो, या बच्चों के टॉयज की मार्केट अक्सर शहरों में होती है, तो वहां पे इजीली मिल जाएगी। अच्छा, प्लास्टिक की भी कबर्ड्स मिलती हैं और चेस्टर ऑफ ड्रॉअर्स मिलते हैं, इसके अलावा वुड के भी चेस्टर ऑफ ड्रॉअर और कबर्ड मिलती हैं। आपकी चॉइस पे है आपने कौन सी लेनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी। लकड़ी की एक मैंने देखी थी, ठीक है, अभी रिसेंटली, तो उसकी प्राइस जो है वो 20,000 के करीब है कबर्ड की। उसमें दो ऊपर का कैबिनेट बने हैं, नीचे ड्रॉअर्स बने हुए हैं, तो लाइक बहुत अच्छी वो चीज है। मैं उनका पेज जो है वो टैग कर दूंगी। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मंगवाया उस पेज से, लेकिन लाइक किया हुआ, तो उनके पास बहुत वैरायटी है बच्चों की चीजों की। पिंडी में ही उनकी कोई शॉप है, तो बाकी ये कि आप उनसे राब्ता वगैरह कर सकते हैं। मैं देखूंगी इंशाल्लाह ताला, अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं अपनी इस वीडियो के नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, ठीक है। तो ये चेस्टर ऑफ ड्रॉअर है। उसके बाद ये है जी कोट, बेबी कोट। इसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। ये बेबी कोट जो है ना, ये कस्टमाइज्ड है। मैंने ये बनवाया था अपने अंकल से, मेरी जो खाला हैं सबसे बड़ी, उनके घर मेरी सिस्टर भी आई हुई है, उनके हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं उनका वुडवर्क का काम है, ठीक है। और वो वैसे तो ये वाला काम नहीं करते, वरना आप लोग उनसे बनवा लेते, लेकिन वो लोग करते हैं ब्रांड्स का काम, ब्रांड्स की शॉप्स बनाते हैं, लाइक पहले वर्दा वालों की बनाते थे, अब ग्लैमर, इंजन, आउटफिटर्स वगैरह, लाइक इस तरह के ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं। तो उनकी शॉप में जितना भी वुडवर्क और सारा इंटीरियर का वही काम करते हैं, तो खैर वुडवर्क तो उनको आता है। तो उनको मैंने ये डिजाइन बना के दिया था और मैंने कहा था कि मुझे एक कोट चाहिए, तो उन्होंने ये मुझे बना के फिर गिफ्ट किया था। हम लोग तो चाह रहे थे उनको पे करना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो ये ज़ैनब के लिए मैंने बनवाया था, कस्टमाइज्ड है। इसकी डायमेंशन सारी मैंने खुद ड्रॉ करके अंकल को दी थी, लेकिन इसमें एक मसला आ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स तब मुझे इतना नहीं पता था, जाहिर बात है फर्स्ट फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस होता है, मुझे इतना नहीं पता था। मैंने ये जो ये चीज है ना, ये जंगला, ये थोड़ा इसकी हाइट कम रखवा दी है। इससे ये होता है कि बच्चा 6 मंथ तक तो ठीक रहता है, 6, 7, 8 मंथ तक, जैसे थोड़ा चीजें पकड़ के खड़े होने लगता है या फिर बैठने लगता है ना, तो फिर उसके लिए ये डेंजरस है, फिर आपको सुपरविजन चाहिए, फिर आप इसमें नहीं बिठा सकते। हाँ, सुला सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो अगर आपने बनवाना है तो कोशिश करें इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची करवा दें, यहां तक कि बच्चा पकड़ के अगर खड़ा भी हो जाए या बैठ भी जाए ना, तो वो नीचे नहीं गिरे। इस चीज का बस आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, जैसा ये है ना उसी हिसाब से आपने बनवाना है अपने कारपेंटर से। कारपेंटर से बनवाएं, सस्ता बनेगा। लकड़ी की खुद शीट लें अच्छी वाली, ठीक है, हार्डवेयर की चीजें लें और उसको उसकी मजदूरी दे दें, तो एक तो चीज क्वालिटी वाइज अच्छी बन जाएगी, दूसरा ये कि सस्ती बन जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जंगला जो है ना, ये इतना सा रखवाना है, लाइक एटलीस्ट ये शायद 1 फुट का होगा, तो कोशिश, अब मैट्रेस लग के तो वो आधा फुट ही रह गया, तो कोशिश करें कि 2 फुट का रखवाएं मैट्रेस के बाद भी, ताकि आपकी जो है ना आपका बेबी वो गिरे नहीं, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई भी आप अपने हिसाब से रखवा सकते हैं, आपने 2 फुट चौड़ाई रखनी है, 4 फुट लंबाई रखनी है, जितनी भी,
ठीक है। तो मुझे इसकी करेक्ट डायमेंशंस नहीं बिल्कुल भी पता, अंदाजे से मुझे ये लग रहा है कि इस तरह ये 4 फीट का है और इस तरह अगर देखी जाए इसकी चौड़ाई तो वो 2 फीट की होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स बनवाए थे, ये ड्रॉर्स भी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस हैं, ये देखें कितना कितना डीप ड्रॉर है, इसमें इतना कुछ आ जाता है माशाल्लाह बच्चों का कि लाइक आपको कोई फिर स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप के पास अगर ये और ये दो चीजें हो ना तो बच्चों की बहुत चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो यहां पर मैंने ज़ैना फातिमा की कुछ चीजें, ये ऑर्गेनाइजर्स भी मैंने जो हमारे होते हैं शॉपिंग करके आते हैं हम अक्सर, तो ये बैग्स मिलते हैं तो उसके उसको काट के मैंने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं। एक में सॉक्स रखी हैं, एक में वेस्ट रखी हैं, एक में इनकी पैंटीज वगैरह रखी हैं, तो इस तरह करके किया हुआ है। बाकी यहां पर अभी और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो इतना ये डीप है और यहां पर इजा के सारे कपड़े अभी बिल्कुल भी फोल्ड करने की मुझ में वो नहीं थी तो मैंने ये ऐसे ही करके रख दिए। तो यहां पर इजा के सारे गर्मियों के, सर्दियों के ज्यादा होते हैं, गर्मियों में तो सारे एक जगह पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका जो मटेरियल है ना, ये ऑफकोर्स मेरे अंकल ने बनाया है और उन्होंने घर की चीज करके बनाया है, दैट्स वाई इसका मटेरियल इतना अच्छा है। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और कुछ पार्ट इसका वुड का है, ठीक है। इसको दो लोग, दो लाइक मर्द वही उठा सकते हैं या 3 लड़के उठा सकते हैं इसको, मैं अकेली, मेरे लिए इसको घसीटना ही बहुत मुश्किल होता है, ये इतना हैवी है। और उन्होंने लाइफ टाइम चलने वाली चीज बनाई है, ये नस्लों तक चलेगा और मेरा नहीं ख्याल खराब होगा, बस इसका पेंट खराब होगा और वो हम मैंने एक दफा इसको पेंट किया हुआ है, जब ईजा पैदा हुई थी तो मैंने इसको पेंट किया था, ये काफी शिफ्टिंग में खराब हो गया था इसका पेंट, तो वो मैंने नया कर लिया था। और बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये टस से मस नहीं होता, बड़ी एफर्ट चाहिए होती इसको हिलाने के लिए। तो आपने एल्युमिनियम का नहीं बनवाना, बस अच्छी सी कोई वुड ले लीजिएगा, कोई शीट ले लीजिएगा जिससे ये बन जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे की चीज है, इतनी ना भी हैवी हो तो कोई लाइक इतना कोई वो नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं इतना हैवी ना। तो लेकिन इसमें एक बड़ा इंसान, दो बड़े इंसान अगर खड़े भी हो जाए ना, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, इतना ये मजबूत है। लेकिन खैर, इतने मजबूत की जरूरत नहीं होती, ये तो अंकल ने खुद बनाया तो उन्होंने बड़ा केयर करके कि घर की चीज है और ये लाइक अच्छा मटेरियल लगे एंड दिस एंड दैट, तो इस वजह से ये इस तरह का, ठीक है। तो ये था कोट और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज रह जाती है बच्चे को सुलाने के लिए, बच्चा एक तरफ सोया रहे और बाकी आप जैसे मर्जी काम शाम करते रहें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये है जी बिस्तर इजा का, ये इजा की दफा मैंने बनाया था, दो बनाए थे मैंने, ठीक है। और एक दो जो ज़ैना फातिमा के थे वो भी पड़े रहते हैं, तो फिर मैं अल्टरनेटिव मतलब उसको चेंज करती रहती हूँ। तो ये बस मुझे बड़ी मुश्किल से बच्चों वाला प्रिंट मिला था पिंक, तो मैंने यही वाला ले लिया, इसमें कासल बना हुआ है, यूनिकॉर्न बने हुए हैं इस तरह ना, और ये मैंने खुद ही सिया था, ठीक है। जब ये बनाया गया था कोट तो मामा ने, अच्छा इसका मैट्रेस भी बता दूं, कुछ लोग शायद पूछ सकें, मैट्रेस अगर आप किसी फेमस ब्रांड से लेते हैं या फिर मैट्रेस वाली शॉप से लेते हैं ना, वो आपको कहेंगे कि जी कस्टमाइज बनवाना पड़ेगा, महंगा बनेगा, ये है वो है। तो मेरी अम्मी ने क्या किया, सिंपल जो फोम होता है ना, खुला फोम वो लिया, ठीक है, वो छोटे छोटे पीसेस में था, लाइक ये दो पीस जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको समद से मामा ने जोड़ा और फिर एक कपड़ा इसका सी दिया, ठीक है, कपड़े के अंदर लाइक उसका एक कवर सी दिया मैट्रेस का, तो बड़ा अच्छा मैट्रेस बन गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, वो बैठा भी नहीं, क्योंकि बच्चे ने तो लेटना होता है इस पे, कौन सा किसी बड़े ने लेटना होता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। गद्दियां मिलती हैं सोफों की, ठीक है, अक्सर शॉप्स पे जहां पे मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, कोई लोकल शॉप्स होती हैं, तो वहां से आप 2 या 3 गद्दियां ले लें, उनको आपस में जोड़ें, एक उसका कवर सी लें, तो आपका बड़ा अच्छा मैट्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह है। और बाकी ये तकिए शकिए मामा ने सिए थे, लाइक बनाए थे, ये हेड कुशंस टाइप गोल तकिए, ये वो, तो बाकी ये कवर्स जो हैं ये मैंने सिए हुए हैं, जिस तरह फिर ज़ैना फातिमा इजा पैदा हुई फिर उनके लिए नए नए बिस्तर बनाती गई और सीती गई। तो या ये है जी इजा का। अब मैं दिखाती हूँ न्यू बॉर्न बेबी का, मैंने किस तरह की शीट्स वगैरह ली हैं, तो आई एम एक्साइटेड।
आपको भी अच्छी लगेंगी और आइडियाज भी मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बेबी की मैंने किस तरह की बेबी कोट की शीट्स वगैरह बनाई हैं। ये हैं जी बेडिंग्स, ठीक है, न्यू बॉर्न के लिए। और यहां पर मैं सबसे पहले आपको बेडिंग्स दिखा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद सारा समझाती हूँ। ये एक मैंने नेवी ब्लू कलर की ली है। अच्छा हुआ इस तरह कि हमारा कोई ऐसे माइंड नहीं था कि हम बेबी कोट के लिए ब्लू येलो वाइट इसी तरह की थीम रखेंगे, लेकिन हमारे बेडरूम के साथ बिल्कुल मैच जाएगा। जब गेस्ट चले जाएंगे तो मैं बेबी कोट और चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो है वो शिफ्ट कर दूंगी अपने बेडरूम में। तो फिर उसके साथ जो भी बेडिंग्स, मैंने तीन बेडिंग्स बनाई हैं और तीनों ही ऑलमोस्ट मेरी रूम के थीम के हिसाब से जा रही हैं, जो कि बड़े मजे की बात है। खैर, ये मैंने एक ली है बेडशीट। अच्छा, मैंने बेडशीट का ना थोड़ा थोड़ा कपड़ा लिया था, लाइक खुले कपड़े में से मैंने लिया था, और मैंने अपनी मर्जी से जितना कोट का डायमेंशंस हैं लाइक उसके मैट्रेस की उतनी शीट्स ली हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर, ठीक है। तो एक ये मैंने शीट ली है नेवी ब्लू, में जो स्टार वाला प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था और लड़कों के लिए इस तरह के प्रिंट्स अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये एक लिया है, और एक मैंने ये लिया है, डायनासोर्स बने हुए हैं और ये बड़े अच्छे जाते हैं लड़कों की थीम के हिसाब से। तो ये लिए हैं, ये भी वाइट ब्लू येलो थीम सी ही बन रही है, ठीक है। तो ये बनी बनाई मुझे शर्ट बनी बनाई मुझे शीट मिल गई थी इस्लामाबाद रावलपिंडी में है आजम हसन क्लॉथ वाले, बड़े फेमस हैं, और इनके पास एक्सपोर्ट का कपड़ा भी होता है और लोकल भी होता है, हर तरह का होता है, बेडिंग शेडिंग भी होती है, मैट्रेस के कवर्स भी होते हैं। मैं कई दफा ऐसे हुआ है मैट्रेस का कवर ला के उसकी शीट सी के मैंने तो डाली है, वो कपड़ा बड़ा अच्छा होता है। तो खैर, ये मैंने वहीं से लिया था, ये कोट का ही सिला सिलाया टैग शैग लगा हुआ था शीट, तो मुझे अच्छा लगा प्रिंट, और मैं कोई बच्चों वाला ही ढूंढ रही थी तो मुझे ये फिर रीजनेबल लगा, मैंने ले लिया, ठीक है। ये सिर्फ शीट मिली है, इसके साथ पिलोज नहीं मिले, वो मैं आगे चल के बताती हूँ वो क्या करना है मैंने। उसके बाद एक ये मुझे मिला है, और इनमें सलवटें इसलिए हैं कि मैं लेके आई थी तो मुझे ना अजीब सी, क्योंकि वो स्टॉल पे पड़ी हुई थी ये, तो मुझे थोड़ी वो आया कि मुझे इसको वॉश कर लेना चाहिए, तो मैंने वॉश किया, अभी प्रेस नहीं किया, प्रेस करके रखूंगी। तो एक ये ली है, इस पे सारे कंस्ट्रक्शन के जितने भी लाइक ये गाड़ियां होती हैं ना वो बनी हुई हैं, तो ये भी लड़कों से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और इसमें भी येलो भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, मल्टी कलर आ रहे हैं। अब मैंने किया क्या, ये दोनों शीट्स तो मैंने ले ली, ठीक है, उसके बाद इसके साथ मैंने लिया इसी शीट के साथ मैंने पिलो के लिए भी कपड़ा लाइक थोड़ा बढ़ा के ले लिया था, तो मैंने दो छोटे पिलोज बना लिए, ठीक है, और एक बड़ा पिलो मैंने बनाया है प्लेन, ये घर में कपड़ा पड़ा हुआ था उसी का बना लिया, ठीक है। तो एक सेट मेरा ये बन गया इस तरह का, और जो ये वाली बेडशीट्स है ना कोट की शीट्स, उसके साथ फिर मैं जिस शॉप से मैंने ये लिया था बेडशीट वाली शॉप से, उधर से मैंने येलो कपड़ा लिया। ये येलो कपड़ा ना इसमें सेल्फ लाइनिंग है, ये देखें इसमें ना ये इस तरह की सेल्फ लाइनिंग है। तो ये मैंने पिलो के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा लिया, मेरा ख्याल है आधा आधा गज मैंने लिया था, और इसमें मैंने अब बनाए हैं दो छोटे पिलो येलो कलर के, ठीक है, और दो मैंने बना लिए हैं गोल तकिए जो मेरे कोट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके मैंने बना लिए गोल तकिए। तो ये सी लिए हैं, और उसके साथ मैंने कंट्रास्ट किया है थोड़ा ब्लू का, ये इतना कोई मुझे प्यारा लगा है, और मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसकी पूरी बेडशीट लूं अपने बेड्स के लिए, इस रूम के लिए भी और अपने बेड के लिए भी। ये देखिए इसमें कितनी शाइन है, कॉटन साटन टाइप कपड़ा है, प्लेन है, और इसकी ये मुझे इजिली वहां से मिल जाएगा, आप कभी गई तो अपने बेड्स के लिए मैं लूंगी इस तरह की बेडशीट। खैर, प्राइस मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ये दोनों चीजें तो मुझे ना ये सारी चीजें ये मिली थी तकरीबन शायद 1700 की, ये शॉप महंगी थी, वो तो मुझे 250-250 रुपए में शीट मिल गई थी, ठीक है, आजम हसन से, लेकिन ये थोड़ा महंगी मिली, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने पूरी करनी थी चीजें, फिर लटकती रह जाती, तो इस वजह से मैंने सोचा ले लूं, ठीक है। तो अब ये जो पिलोज है ना जो मैंने बनाए हैं, ये सर के नीचे वाले जो पिलो होते हैं, एक बड़ा है दो छोटे हैं, यहां पे दो छोटे हैं और गोल तकिए भी हैं, तो मैंने क्या करना है, मिक्स एंड मैच ये सब कुछ डाल देना है कोट में, ठीक है। इसके साथ भी हमारा येलो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ना एक व्हाइट तकिया भी
मैंने ये भी आजम हसन से ही कपड़ा लिया था, ठीक है। ये 100 रुपए के 2 तकिए मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया, 2 तकिए ले लिए व्हाइट और उसको साइड से काटा, सिलाई लगा ली, तो मेरा पूरा पूरा ये छोटे वाले का लंबा वाला तकिया बन गया, ठीक है। वो जब मैं बेडशीट पूरी स्प्रेड करूंगी, पिलो शिलो चढ़ाऊंगी, फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल से तब भी दिखाऊंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह मैंने व्हाइट तकिया भी कर लिया, ब्लू भी कर लिया, येलो भी कर लिया। अब इन सब के साथ हम मिक्स एंड मैच करके जो दिल करेगा तकिया चढ़ा देंगे, जैसे दिल करेगा जो कलर इसके साथ मैचिंग करनी होगी तो मैचिंग कर लेंगे, और ये वाले इनके साथ भी जा सकते हैं, दोनों के साथ बीच में हमको एक आध येलो डाल देंगे या व्हाइट डाल देंगे, लाइक अपने पे डिपेंड करता है, जैसे भी आपने बेड सेट करना है ये वैसे हो जाएगा। तो ये मेरी तैयारी थी बेबी कोट के लिए, जो कि मैंने चारों बच्चों की लाइक जैनब फातिमा के लिए भी की थी और अब बेबी के लिए भी करनी थी। तो या दिस इज इट। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, स्पेशली जो अकेली मदर्स हैं और जो अकेली रहती हैं मेरी तरह और जिन्होंने बेबी को हैंडल करना है और कभी हैंडल नहीं किया, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी जबरदस्त किस्म की है, ठीक है। ये है बेबी बेदर, बच्चे को नहलाने के लिए इससे अच्छी चीज मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकती है, ठीक है। ये इस तरह का बना होता है, इसके ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें थोड़े थोड़े सुराख होते हैं जिससे सारा कपड़ा नीचे जाता है और ये 2 मिनट में सूख जाता है, ठीक है। तकरीबन ये 2,000-2,500 रुपए का मिल जाता है। आपने ये वाला लेना है और प्लास्टिक का नहीं लेना, प्लास्टिक के टब्स आते हैं, प्लास्टिक का बेदर आता है, लेकिन उसमें सर्दियों में बच्चे को ठंड लगती है, जब वो आप उसके ऊपर लाइक उसको बिठाते हैं तो ठंड लगती है, ये ठंडा नहीं होता क्योंकि ये क्लॉथ है, तो इस वजह से ये ठंडा नहीं होता। इस पर आपने बच्चे को बिठा देना है, ठीक है, और ये इसके ऊपर बेल्ट भी लगी होती है, अगर आपने बच्चे को इन केस के आपको डर लग रहा है कि बच्चा मूव ना करे या गिर ना जाए, तो आपने ये बेल्ट बांध देनी है। मुझे कभी भी बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना मूव नहीं करता, ठीक है। तो ये तकरीबन न्यू बॉर्न से लेकर 6-7-8 माह तक आप बच्चे को इसमें नहला सकते हैं। बाद में इस पे बिठा के थोड़ा बच्चा बड़ा भी हो जाए, इस पे बैठ के भी वो इजिली नहा लेगा आपसे, ठीक है। उससे ये इससे ये फायदा होता है कि आपका एक हाथ है जिससे आपने बच्चे को पकड़ना है वो भी फ्री हो जाता है, दूसरा हाथ भी फ्री हो जाता है, आप दोनों हाथों से उसको अच्छे तरीके से नहला सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है और यही वाली लीजिएगा, ज्यादा फंक्शंस वाली ना लीजिएगा, क्योंकि ये तकरीबन 8 माह तक आपकी चलेगी, उसके बाद ये चीजें फिर जाया होने वाली बात होती है ना। हाँ, आप अपने बाकी बच्चों के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो ये ईजा का था, ठीक है, मैंने नया नहीं लिया, मैंने ये संभाला हुआ था और बस सोचती थी कि किसी को दे दूं, किसी को दे दूं, तो लेकिन ये कि अब अच्छा हुआ कि किसी को दिया नहीं और ये काम आ जाएगा, ठीक है। इस पे ये थोड़ा सा जंग शंग लग गया, उस पर आप पेंट भी कर सकते हैं। अभी ये स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने अभी निकाला नहीं था, अब मैं इसको निकालूंगी, अच्छे से वॉश करूंगी, इसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, उतर जाता है ना ये बड़ा इजिली, इसको थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है, ये देखिए ये इसका कपड़ा उतर जाएगा, उतार के आप वॉशिंग मशीन में इसको वॉश कर लें, इसको वैसे साफ कर लें, ठीक है। जैसे इसका पेंट उतरा हुआ है, आप पेंट भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि बड़े काम की चीज है और बड़ा ही इससे फायदा हो जाता है बच्चे को नहलाने में, क्योंकि बच्चे को नहलाना एक बड़ा टफ टास्क मुझे तो लगता है। तो ये भी बच्चों के मस्ट हैव्स में से है और ये तो आपने लाजमी ले लेना, और इसकी कोई इतनी कॉस्ट नहीं है, 2,500-2,500 रुपए में आपको मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाता है, बच्चों की मार्केट से, अच्छे स्टोर्स से, और हर जगह मैंने पढ़ा देखा है, ठीक है। तो आपने ये मस्ट लेना है और आप मुझे खुद कहेंगी कि वाकई इससे तो जिंदगी आसान हो जाती है। बाकी बेबी को नहलाने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, जो बिल्कुल पहली दफा मदर बनी हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको अंदाजा हो जाए कि उन्होंने किस तरह नहलाना है। तो या दिस इज इट। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको देखने में भी मजा आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।